दुनिया का सबसे घातक प्रहार क्या है, किक या पंच? दोनों ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे घातक प्रहार है घुटना। और ये प्रहार एक अति प्राचीन मार्शल आर्ट का हिस्सा है, एक ऐसा मार्शल आर्ट जिसमें एक अकेला निहत्था योद्धा कई कई योद्धाओं को अकेले परास्त कर सकता है, और इस मार्शल आर्ट का नाम है मुए थाई। यदि आप मार्शल आर्ट में जरा सी भी रुचि रखते हैं तो जो तथ्य हम आपको बताने वाले हैं वो आपको हैरान कर देंगे। लेकिन उससे पहले आइए मिलते हैं उस भारतीय योद्धा से जिसने इस अति प्राचीन युद्ध कला को अपने जीवन में अनंत गहराई तक उतार लिया। बैंकॉक से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर एक जगह है, छोटा सा शहर है, वहाँ पहाड़ों में से एक टेम्पल में ले गए। वहाँ बौद्धिस्ट लोग मिले मुझे, उनसे भी कुछ मेडिटेशन ट्रेनिंग और ये वो सब पता लगा। तो वहाँ पे क्या है, वो टैटूज बनाते हैं। वहाँ से मुझे स्टार्टिंग में पहले एक ब्लेसिंग जैसे कहते हैं ना, एक आशीर्वाद वहाँ से लिया। उसके बाद ट्रेनिंग जंगल में उन्होंने दी मुझे। सुनने में ये दिलचस्प लग रहा था, लेकिन यहाँ हमारी रुचि तो ये जानने में थी कि उनकी मार्शल आर्ट की इस यात्रा का आरंभ कैसे हुआ। 8 साल की उम्र में मेरा मार्शल आर्ट से परिचय हुआ, जो कि स्कूल टाइम की बात। कुछ बच्चों के साथ एक फाइट हुई थी, तो मुझे 5 लड़कों ने मिलके बहुत मारा था। उस दिन के बाद से ही मैं ब्रूस ली की फिल्में देखने लगा, ब्रूस ली की तरह एक्टिंग करने लगा, जिम में अखाड़े में जाके अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश करने लगा। चंदगीराम, मास्टर चंदगीराम गुरुजी हैं, वो रहे मेरे स्टार्टिंग में जो पहलवानी में मिले, कुछ टिप्स उन्होंने दिए, ऐसे करके जर्नी शुरू हुई मार्शल आर्ट। किंतु वे इतनी आसानी से श्री नरेंद्र कुमार से डॉक्टर क्रू नरेंद्र त्यागी नहीं बन गए। थाईलैंड के इस राष्ट्रीय खेल मुए थाई के लिए भारत में कोच बनना उनके लिए इतना आसान नहीं रहा। इसके पीछे थी निरंतरता और अधिक से अधिक सीखने की इच्छा, इसीलिए वे बड़े प्रसन्न होकर अपने सभी गुरुओं के विषय में बताते हैं। कुछ लोग मिलते रहे जर्नी के अंदर, जो मुझे जिन्होंने मुझे बताया कि ब्रूस ली तो कुंग फू करता है, अदर मार्शल आर्ट्स के बारे में बताया मुझे, कराटे के बारे में बताया। सबसे पहले मेरा पाला पड़ा कुंग फू से, कुंग फू, जीत कुंडो, इन सबसे फर्स्ट मेरा पाला पड़ा। तो बहुत सारे मास्टर्स हैं जो पुराने, आज की टाइम में वो अपने दुनिया में नहीं रहे। कुंग फू का किया मैंने, एक रतनदीप राठी करके 80s के मास्टर हैं जो बहुत अच्छे मास्टर थे, उनके साथ एक शाहपुर करके अफगानी मास्टर थे मेरे 80s में, उनके साथ कुंग फू सीखा। बस इस तरह जर्नी आगे बढ़ती गई, फिर बहुत सारी मार्शल आर्टों से अंदर में गुजरता गया। आप अपने जीवन में चाहे जो भी कर रहे हो, यदि आप उससे संतुष्ट हो जाते हैं तो आप उन्नति नहीं कर पाते। इसलिए आपके भीतर अधिक से अधिक जानने और पहले से बेहतर करने की तीव्र इच्छा का होना बहुत जरूरी है। यही विचार क्रू नरेंद्र जी का भी था, और इसीलिए अब वे चले गए कराटे सीखने। लेकिन आखिर वे कराटे सीखने के लिए गए ही क्यों? जब आप इसके पीछे की वजह जान लेंगे तो आपको भी प्रेरणा मिलेगी कि आप अपने जीवन में पहले से बेहतर सीखने और करने का प्रयास करें। कुछ लोग पूछते थे आपकी कौन सी बेल्ट है, कुंग फू में कुछ बेल्ट नहीं हुआ करती थी उस समय, तो मेरे को पता नहीं था। फिर मुझे इसके बारे में इंट्रोड्यूस हुआ कि कराटे के अंदर कुछ बेल्ट होती है, ब्लैक बेल्ट, जैसे आपने सुना होगा ब्लैक बेल्ट ले ली। तो मैंने कराटे ज्वाइन किया। फिर मोसिस थिलक मेरे मास्टर थे, गोपेश्वर मणिपुर से थे, पी प्रेम सिंह जो बड़े मास्टर हैं, एक मास्टर थे हमारे दिल्ली में रहते थे लेकिन थे अपने मद्रास के थे, टी के राजन, इन सब से मैंने कुछ कुछ कराटे में शिक्षा ली। 3 स्टाइल मैंने कराटे के किए, गुजोरियू, श्वेतोकान, बूदोकान, एक बीरमणि सिंह जो मणिपुर के मास्टर थे, आज तो वुशु के हैं, पहले कराटे के मास्टर थे। तो ची चू शोट एक ग्रैंड मास्टर हैं उनके साथ, उनके बेटे रिचार्ड चियू, उन सब से शीतोरियू कराटे में, बूदोकान कराटे में मैं उनसे सीखा, उनके साथ काफ़ी कराटे में ब्लैक बेल्ट, 3 बार मैंने ब्लैक बेल्ट ली। उस तरह जर्नी आगे बढ़ती गई, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला मार्शल आर्ट के अंदर मुझे। हम ये सब बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। मार्शल आर्ट के किसी योद्धा की इन बातों को सुनना
बड़ा ही रोचक लगता है। लेकिन इस समय हम ये सोच रहे थे कि इसके बाद अब किस मार्शल आर्ट की बारी आने वाली है। ब्लैक बेल्ट लेने के बाद और आगे बढ़ना था, फिर मुझे किसी ने बताया कि इस वुशू करके आजकल कुंग फू का नाम वुशू हो गया है, और वुशू भी कुंग फू ही होता है, लेकिन उसमें ची कुंग और वुशू के अंदर जो रियल फाइटिंग है, शांचो, आजकल सांगा भी बोल देते हैं उसको, शांचो बोलते थे हमारे टाइम में, उसमें बहुत टफ फाइट होता है। उसके लिए फिर मैंने आगे जर्नी स्टार्ट की, तो उसमें मेरे मास्टर का मणिपुर से मेरा नाता रहा वुशू के अंदर, वीरमणि सिंह और मेरे मास्टर रहे वुशू के, उनके साथ काफ़ी ट्रेनिंग की। फिर मुझे दिल्ली में ही एक मेजर, एक जनरल मिले, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि ताई ची क्वान एक चाइनीज आर्ट होती है, ताई ची क्वान, वो उसके बहुत बड़े मास्टर थे, तो वो मेजर होने के कारण आर्मी के अंदर थे, तो उनको आर्मी से ही चाइना बॉर्डर पे उनकी पोस्टिंग थी, तो वो चाइना में 5 साल तक रहे, जिसमें उन्होंने चाइना के अंदर ताई ची क्वान और कई फॉर्म्स की ट्रेनिंग ली। उनके साथ मेरा ताल्लुक हुआ, तो उनके साथ में 3-4 साल तक रहा, उन्होंने बड़े प्यार से मुझे बिल्कुल इसकी बेसिक्स और उसके बारे में बताया, ताई ची क्वान के बारे में, और वो बहुत सुबह सुबह 4 बजे उठ जाते थे और मुझे भी 4 बजे ही बुलाते थे, और उसकी प्रैक्टिस किया करता था उनके साथ। ऐसे करके जर्नी आगे बढ़ी। जिन लोगों को लगता है कि 3 महीने का एक क्रैश कोर्स करके वो किसी भी कला को अच्छे से सीख लेंगे, उनके लिए क्रू डॉक्टर नरेंद्र त्यागी जी की मार्शल आर्ट की यात्रा को जरूर जानना चाहिए, ताकि वे ये समझ सकें कि किसी भी कला को सीखना या उसमें परफेक्शन तक पहुंचना, संपूर्णता तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम मुए थाई कोच क्रू डॉक्टर नरेंद्र त्यागी जी की मार्शल आर्ट की यात्रा के शेष हिस्से को दूसरे वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। आपकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा रहेगी, कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न अवश्य लिखें एवं इस चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि मार्शल आर्ट के हमारे परिवार में वृद्धि हो सके। धन्यवाद।